ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज का विषय है कि यदि आपने किसी परिस्थिति में आपने किसी से कर्जा ले रखा था या लोन लिया था किसी भी प्रकार का, और अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आप उसको लौटा नहीं पा रहे हैं। पहले आपको इतनी जरूरत थी कि आपको लेना पड़ गया ना चाहते हुए भी लोन कर्जा, और अब आप उसको लौटाने में अक्षम हो रहे हैं, नहीं लौटा पा रहे हैं। आपको आर्थिक हालत आपकी सही नहीं है, तंगी चल रही है, और जो कर्जदार हैं वह रोज रोज आपके घर पर आते हैं या फिर व्यापार स्थल पर आते हैं कि आपसे पैसा लिया जाए, मगर आपकी अभी हैसियत नहीं हो पा रही है उसको लौटाने की। तो इसके लिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। ये गंभीर समस्या, क्योंकि इसकी वजह से आप और आपके सभी परिवार वाले तनाव में रहते होंगे, किसी ना किसी वजह से टेंशन में रहते होंगे सारा दिन। तो इसके लिए आप इस उपाय को करिए जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें, समझें, ताकि कोई गलती ना हो इस उपाय को करने में। इसको आपको खुद करना है, और किस समय करना है, किस दिन करना है, वह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। पहले जान लेते हैं कि आखिर फायदा कैसे होगा। यदि आपने किसी से कर्जा ले रखा है, तो इस उपाय को करने से ऐसा नहीं होगा कि वह कर्जा लेने नहीं आएगा। इस उपाय से ये फायदा होगा कि आपके जो धन लाभ हैं, जो आपका मार्ग है धन आने के, जो फंसे हुए हैं वह खुलने लगेंगे, और आपकी जो आर्थिक मंदी है वह दूर होने लगेगी, और आप देखेंगे कि आपके पास पैसा आ रहा है, अच्छे मात्रा में पैसा आ रहा है, और आप घर बार भी चला पा रहे हैं अपना, और साथ ही साथ अपना कर्जा भी धीरे धीरे लौटा पा रहे हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हम बता देते हैं। पहले आप एक चकोर बनाएंगे, काली कलम से बनाना है, कागज पे बनाना है। चकोर बनाने के बाद क्या करना है, फिर आपको लाल कलम लेनी है, फिर उस लाल कलम से आपको इसके कोने पे पत्तियां बनानी है, लाल कलम से। हर किसी की कला अच्छी नहीं होती है, तो जैसा आप बना सके वैसे बनाइए, साफ सफाई का ख्याल रखिए बस। और पत्तियां बनाने के बाद आपको बीच में पहले कोने पे बनानी है, और फिर बीच में बाद में बनानी है। ये पत्तियां बनाने के बाद क्या करना है आपको, फिर काली कलम से आपको अंदर लिखना है। इसके अंदर लिखेंगे आप सह, इसके अंदर लिखेंगे आप स्तंभ, और फिर यहां फिर लिखेंगे आप सह, यहां लिखेंगे आप शोभ, यहां लिखेंगे आप रोध, रोध, यहां लिखेंगे आप सह, यहां लिखेंगे आप रोह, रोह, और फिर यहां लिखेंगे आप सह, और फिर आप लिखना है अंदर आपको लाल कलम से लिखना है आपको हिरीन, हिरीन लिखना है हिरीन, और फिर काली से लिखेंगे सह, और फिर लाल से लिखेंगे हिरीन दोबारा। और फिर यहां लिखेंगे इस बार काली से लिखना है आपको, काली कलम से हिरीन, फिर लाल से लिखेंगे आप स्यान, स्यान, और फिर काली कलम से लिखेंगे आप हिरीन। फिर यहां आप लिखेंगे एक बार लाल कलम से,
साहब और एक बारी काली कलम से साहब, ये आपको लिख देना है, पहले आप पास से देख लीजिएगा। यह से बनाना है और फिर दूसरी तरफ आप एक और चकोर बनाएंगे, चकोर बनाने के बाद इसको आप बांट देंगे तीन तीन के हिस्सों में और फिर लाल कलम से आप इस तरह चार डंडियां बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार और यहाँ पे तीन, फिर यहाँ लिखेंगे आप काली कलम से सह हिरीन और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप सह दोबारा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले सा सा लिख दिया फिर हिरिन लिख दिया, जैसे जैसे बताया गया सिर्फ वैसे ही आपको लिखना है। और फिर आप तीन डंडी सीधी और यहाँ पे चार डंडी सीधी बना देंगे। तो बंधुओं ये दो यंत्र आपको बनाने पड़ेंगे। फिर क्या करना है आपको, कि जो भी आपकी पूजा स्थल है वहाँ पे इसको रख देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, आपको किस दिन बनाना है पहले ये बता देते हैं। ये आपको सोमवार के दिन बनाना है और सुबह 5 बजे से लेके 10:30 के बीच में आपको ये दोनों बना लेने हैं। फिर आप अपने मंदिर स्थल है जहाँ पे भी आप मंदिर है वहाँ पे रखिए, यदि मंदिर नहीं है घर में तो किसी भी साफ सुथरी जगह पे इसको रखिएगा और इसके सामने रख के आप इसके मंत्र हम लिख के दे रहे हैं वह मंत्र आपको जपना है। ओम ह्रीम हंसः, यह मंत्र आपको जपना है 51 बार आपको जपना है। जी हाँ, 51 बार आपको यह मंत्र जपना है। और फिर क्या करना है, या तो आप इसको मंदिर में ही स्थापित कर देंगे, मंदिर में ही रखेंगे, तो यदि आप इसको लॉकेट में बना के पहनना चाहते हैं तो लॉकेट में भी इसको आप पहन सकते हैं, मगर रोज आपको ओम ह्रीम हंसः का मंत्र जपना है, 51 बार रोज जपना है। और जपने का समय कोई सा भी समय हो सकता है, दिन में एक बार आपको रोज जपना है। तो इसको इस उपाय को करने से आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी आपका धन पैसा दौलत के मार्ग है वे धीरे धीरे खुलने लगा है, जो कि पहले आपके किसी ग्रह नक्षत्र के खराब होने की वजह से या किसी भी बाहरी आपदा की वजह से रुके हुए थे, अब वह धीरे धीरे खुलने लगे हैं और आपको जो भी आपके पैसे की समस्या है वह धीरे धीरे दूर होने लगी है और जो भी आपका कर्जा है वह धीरे धीरे आप उतारने में सक्षम हो जाएंगे और इसका फायदा आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, धीरे धीरे मिलना शुरू होता है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन अगले दिन ही आपके पास अपार दौलत आ जाएगी, क्योंकि पैसा जब आएगा धीरे धीरे आएगा और आप धीरे धीरे अपना घर बार भी चला पाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपने लोन ले रखा है कर्जा ले रखा है उसको दूर करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा, इसमें दो उपाय दो यंत्र बताए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा जो जो लिखा हुआ है। यदि कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। तो बंधुओं ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई समस्या है, अन्य समस्या है, तो भी आप कमेंट में लिखे हमसे पूछ सकते हैं। कर्जा मुक्ति के लिए ये उपाय आप करके देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है कि वह बात यह है कि आप कभी भी अपना फ़ोन नंबर कमेंट में मत छोड़िएगा, कभी भी मत लिखिएगा, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल कर सकता है। दूसरी बात, यदि कोई अन्य व्यक्ति फ़ोन नंबर छोड़ता है हमारे कमेंट में तो आप उसको कॉल मत करिएगा। हमारा नाम चैनल का आपको पता है, कागज़ पर टूट के, यदि इस नाम से कोई आपको यानी कि हम आपको नंबर देते हैं तो ही उस पे बात हो सकती है, अन्यथा नहीं। किसी दूसरे के नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे और ना ही अपना फ़ोन नंबर कमेंट में छोड़ेंगे।
इस बात का ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।